Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, इससे पहले हमने glass का definition and उसका composition बहुत ही अच्छे से देख लिया था और आज हम next बात करने वाले हैं glass की कौन कौन से types होते हैं. तो चलिए हम start कर लेते हैं अपने आज के topic को. So जो glass होता है उसको बेसिकली उसकी यूज़ के बेसिस पर, उसकी क्या एप्लीकेशन होती है उस बेसिस पर उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सो यहाँ पर कुछ टाइप के ग्लास दिए गए हैं जो कि जनरली क्राइम सीन पर पाए जाते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ लेमिनेटेड ग्लास, देन टेम्पर्ड ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास, लेड एल्केली सिलिकेट ग्लास, लाइट सेंसिटिव ग्लास, सिलिका ग्लास एंड ग्लास फाइबर्स. सो जो ग्लास फाइबर है वो कोई ग्लास नहीं है, ग्लास का टाइप नहीं है, लेकिन जो ग्लास फाइबर्स होते हैं वो क्राइम सीन पर बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं, तो इसलिए ग्लास फाइबर को मैंने यहीं पर बता दिया है. ठीक है, तो चलिए अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सभी के डिटेल में. सो फर्स्ट वन इज़ लेमिनेटेड ग्लास. सो लेमिनेटेड ग्लास का जो फॉर्मेशन है उसके लिए क्या करते हैं, जो एक प्लास्टिक लेयर होती है, प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको हम दो ग्लास की शीट के बीच में प्लेस कर देते हैं. तो ये जो होता है, इसमें जो प्लास्टिक लेयर को सैंडविच किया जाता है ग्लास शीट के बीच में, तो इसकी हेल्प से जो ग्लास बनता है उसको हम लेमिनेटेड ग्लास कहते हैं. इससे पहले प्लास्टिक शीट की जगह पर जो तार की जाली रहती थी, मतलब वायर का मैश रहता था, उसको यूज़ किया जाता था. और जब भी कोलिजन होता है तो नॉर्मल कंडीशन में जो लेमिनेटेड ग्लास होता है वो ब्रेक नहीं करता है. ठीक है, इसमें सिर्फ कुछ फ्रैक्चर आता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो कम्प्लीटली जो है ग्लास वो टूट जाए. तो इसलिए जो लेमिनेटेड ग्लास होता है उसको सेफ्टी पर्पस से भी यूज़ किया जाता है. देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेम्पर्ड ग्लास की. सो टेम्पर्ड ग्लास जो होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है स्पेशल हीट ट्रीटमेंट एंड सडन कूलिंग से टेम्पर्ड ग्लास को बनाया जाता है. इसमें जो रेडियल एंड कंसेंट्रिक फ्रैक्चर्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं. सो ये रेडियल एंड कंसेंट्रिक फ्रैक्चर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. एंड जब भी कोलिजन होता है टेम्पर्ड ग्लास में, तो इसमें ग्लास के नुकीले टुकड़े, मतलब जो पॉइंटेड पार्टिकल्स निकलते हैं, उसकी जगह पर कुछ स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में ग्लास का ब्रेकेज होता है. ठीक है, इसके अलावा ये जो होते हैं मेड स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी विंडो ग्लास, जो ऑर्डिनरी विंडो ग्लास होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेस थ्रू रैपिड हीलिंग एंड कूलिंग ऑफ ग्लास सरफेसेस. और इसको जो है जनरली साइड एंड रियर विंडो ऑफ ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, एंड जो फॉरेन कार्स होती हैं उनकी विंड शील्ड्स में भी टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ किया जाता है. सो ये जो टेम्पर्ड ग्लास एंड लेमिनेटेड ग्लास होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इसकी रहती है, काफ़ी मजबूत होते हैं, इसी वजह से इसको सेफ्टी पर्पस से यूज़ किया जाता है. और ये लेमिनेटेड और टेम्पर्ड दोनों ही ग्लास को हम सेफ्टी ग्लास कहते हैं. अब इन दोनों ग्लास के बाद में मैंने जितने भी तरह के नाम बताए थे इससे पहले वाली स्लाइड में, तो वहाँ पर ग्लास फाइबर को छोड़ दिया जाए और टेम्पर्ड एंड लेमिनेटेड ग्लास को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी टाइप के जो ग्लास होते हैं उनको हम प्लेट ग्लास कहते हैं, क्योंकि वो जनरली फ्लैट होते हैं. बस उसमें जो रहता है, जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं, उनके कॉम्पोजिशन का डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सोडा लाइम ग्लास की. सोडा लाइम ग्लास भी एक प्लेट ग्लास है. इसका जो यूज़ है वो विंडोज़ और बॉटल्स को बनाने में किया जाता है. इसमें सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर यूज़ किया जाता है सोडा लाइम ग्लास को बनाने के लिए. इसके अलावा इसके लिए SiO2, Na2CO3 एंड चूना पत्थर का यूज़ भी किया जाता है. देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास की. सो बोरोसिलिकेट ग्लास में B2O3 की परसेंटेज जो रहती है वो 5% या 5% से ज़्यादा होती है. और अगर B2O3 की परसेंटेज जो है 5% से कम हो रही है तो उसको बोरोसिलिकेट ग्लास नहीं कहेंगे,
अगर 5% से ज़्यादा है तभी हम उसको बोरोसिलिकेट ग्लास कहेंगे। इसका जो यूज़ है जनरली लैब्स में किया जाता है और थर्मामीटर को बनाने में, हेडलाइट्स में, जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो हीट रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बोरोसिलिकेट का ग्लास इन सभी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो बोरोसिलिकेट ग्लास है उसको हम पाइरेक्स भी कहते हैं। सो ये जो पाइरेक्स होता है, ये वाला क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा गया था कि पाइरेक्स क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास की। सो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास में जो एल्यूमिना होता है Al2O3, सो इसमें इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा रखी जाती है, इसलिए इसको हम एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास कहते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो भी लैब्स में, जो बॉटल्स यूज़ की जाती हैं, मतलब जिसमें केमिकल्स रखे जाते हैं अलग अलग तरह के, उसके लिए जो बॉटल्स यूज़ की जाती हैं उसके फॉर्मेशन में इसको यूज़ करते हैं। एंड जो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है उसके कंपैरिजन में एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास की जो हीट को सहने की जो क्षमता होती है, मतलब हीट सेंसिटिविटीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और क्षार यानी कि जो बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, उसके प्रति जो एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास होता है उसकी सुग्राहिता बहुत ही ज़्यादा कम होती है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेड एल्केली सिलिकेट ग्लास की। सो इसमें मोर देन 80% लेड ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। सो अगर लेड ऑक्साइड 80% से कम है तो उसको हम लेड एल्केली सिलिकेट ग्लास नहीं कहेंगे, इसलिए 80% से ज़्यादा अगर है तब हम उसको लेड एल्केली सिलिकेट ग्लास कहेंगे, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है वो वीडियो ट्यूब एंड नियॉन लाइट ट्यूब को बनाने में किया जाता है ड्यू टू इट्स मोर रिफ्रैक्शन एंड अ डिस्पर्शन पावर। एंड हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलिका ग्लास की। सो सिलिका ग्लास मेड बाय मेल्टेड क्वार्ट्स। सो जो SiO3 यानी कि जो क्वार्ट्स होता है उसको मेल्ट करके सिलिका ग्लास को बनाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ग्लास हैव मोर हीट रेजिस्टेंस, ट्रांसपेरेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो सिलिका ग्लास होता है उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड हीट रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइट सेंसिटिव ग्लास की। सो इसके जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें सिल्वर हैलाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोलाइडल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, और जो तो लाइट सेंसिटिव ग्लास होता है इसका यूज़ जनरली सन ग्लास को बनाने में, जो सन ग्लासेस रहते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है, और जो यूवी रेज होती हैं उसकी हेल्प से हम इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, इसकी लाइट के प्रति जो इसकी पावर होती है उसको डिटेक्ट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लास फाइबर्स की। सो ग्लास फाइबर्स आर वायर लाइक वेरी फाइन स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ ग्लास, और इसका यूज़ जनरली जो कंप्यूटर की केबल्स होती हैं या फिर इसके अलावा और बहुत तरह की केबल्स रहती हैं, वायर केबल्स रहती हैं, उसमें ग्लास फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। सो इसमें कई सारे मतलब बंचेस ऑफ ग्लास फाइबर्स रहते हैं, काफ़ी लंबे लंबे रहते हैं, एंड ये जो ग्लास फाइबर्स होते हैं इनकी जो थर्मल इंसुलेशन पावर होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको एज अ केबल यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पर ये जितने भी तरह के ग्लासेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा जो जो ग्लास रहता है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है लाइम, तो CaO2 इसको जनरली ग्लास में यूज़ किया जाता है ग्लास के फॉर्मेशन में ड्यू टू प्रिवेंट द सोडा लाइम ग्लास फॉर डिजॉल्विंग इन वाटर। सो जो CaO2 होता है इसको सोडा लाइम को वाटर में डिजॉल्व होने से बचाने के लिए CaO2 लाइम का यूज़ किया जाता है, और जनरली फॉरेंसिक साइंटिस्ट से बोला जाता है सोडा लाइम ग्लास को एनालाइज करने के लिए, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट विंडो एंड बॉटल ग्लास। ऑफन द मोल्टन ग्लास इज कूल्ड ऑन अ बेड ऑफ मोल्टन टिन। सो इस प्रोसेस से मतलब जो मोल्टन ग्लास होता है उसको एक मोल्टन टिन के बेड पे, मतलब फ्लैट उस पे कूल करने से जो ग्लास बनता है उसको हम फ्लोट ग्लास कहते हैं। सो ये जो मैंने बताया लाइम को यूज़ किया जाता है ग्लास के फॉर्मेशन में ताकि सोडा लाइम जो है वो वाटर में मिक्स ना हो,
तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नेट के पर्पज़ से। सो ये वाले पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी तरह के टाइप्स होते हैं ग्लास के, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ग्लास के फ्रैक्चर्स, जो मैंने बताया था रेडियल फ्रैक्चर, कंसेंट्रिक फ्रैक्चर, इस तरह से जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ब्लॉग एंड ट्विटर पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।